प्रेम लग्न करनार झापा बजारना युगल ने युवतीना परिवारजनों द्वारा वारंवार हैरान करी रह्या होवानी साथे अगाउ युवतीने बे थी त्रण वखत मारी नाखवानो पण प्रयास कराया होवानो आक्षेप साथे युगल सूरत पोलीस कमिश्नर कचेरीए पहोंची आवेदनपत्र आपी न्यायनी मांगणी करी हती। सूरत पोलीस कमिश्नर कचेरीए झापा बजार खाते रहेतो एतेसाम बोटावाला तेनी पत्नी साथे पहोंच्यो हतो જ્યાં તેણે આવેદનપત્ર આપવાની સાથે રજૂઆત આક્ષેપો કર્યા હતા કે તેઓ ઘર પાસે જ રહેતા યાકુબભાઈની પુત્રીને પ્રેમ કરતો હતો। તેના પરિવારે પ્રેમ સંબંધ અંગે જાણ થતાં યુવતીને ત્રણ વખત મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમાં બે વખત ગળું દબાવવાની સાથે એક વખત સળગાવી દેવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો। યુવતીની મરજી વિરુદ્ધ તેણીના અન્ય જગ્યાએ લગ્ન કરાવવાની તૈયારી કરતા યુવતીએ ભાગી એતે સામ બોટાવાલા સાથે લગ્ન કરી લીધા હતા। જો કે તેમ છતાં યુવતીના પરિવારજનો જેમાં તેણીના માતા પિતાને ભાઈઓ દ્વારા હેરાન કરાઈ રહ્યા હોય છે, જેને લઈ ન્યાયની માંગ સાથે આ યુગલ પોલીસ કમિશનર કચેરીએ પહોંચ્યો હતો। મેરે મા બાપને મેરે કો બહોત ટોર્ચર કિયા, મેરે વિરુદ્ધ શાદી કરે રહે થે ઓર મુજે મેકો વહાં પે કરની નહીં થી, મેરે મેરે મરજી સે શાદી કરની થી, તો મેરે મા બાપને મેકો બહોત બાર મારા, માર ડાલને કી કોશિશ કરી, છેલ્લે મેરે સે બરદાશ્ત નહીં હુઆ તો મેરે કો ઘર છોડના પડા ઓર मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ मैं रहती तो मैं मर जाती, और ये लड़का मैं लड़के को पसंद करती थी, और ये लड़के ने ना बुलाने के लिए, लेकिन मैंने भी इसको धमकी दी कि अगर तू नहीं आएगा तो मैं घर में ही मर जाऊँगी, तो इसको मजबूरन मेरे साथ आना पड़ा। हालांकि मोहब्बत ये भी करता था और मैं भी करती। कितने टाइम पहले आपने शादी करी है? 2 महीने पहले शादी हुई, अभी तक हम लोग घर पर नहीं गए। मेरे माँ बाप के डर से वो लोग ने मेरे को मार डालने की धमकी दी है, हम दोनों को मार डालेंगे अगर हम लोग गए उनके सामने। तो इस बारे में किसी को फरियाद वगैरह करी है आपने? हमने मैदरपुरा में फरियाद की, लेकिन वो लोग के अपोजिट पार्टी को वो कार्यवाही करने के बदले हम लोग के ऊपर कार्यवाही करी। मेरे बड़े ससुर और मेरे ससुर के ऊपर कार्यवाही करी और 151 की कलम लगाई उन लोगों, कल की बात है ये। क्या उम्मीद रखते हो सीपीओ ऑफिस पर आगे? हमने सीपीओ ऑफिस से बात तो की है, उन्होंने बोला है मैदरपुरा में, अब देखते आगे क्या होता है। एहतशाम मोहम्मद कासिम बोटावाला मेरा नाम है, और मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था जबकि 5-6 साल हमारे रिलेशन को हुआ था, और वो लड़की के घर के में पता चल गया था उसके मेरे उसके मम्मी और उसके अब्बा को, तो उसको 3 बार जान से मार नाखने की कोशिश करी है। तो 1-2 बार तो गला दबा दिया था और 1 बार जला डालने की कोशिश की है, पन ये जिस तरह उस तरह हाथ पाँव जोड़ के बच गई के निकली के हाथ हम जहाँ कराएंगे शादी में वहाँ कर लूँगी, और इसको पूछे बिगर इसका निकाह रख दिया था, इसका निकाह रख दिया था, पूछे बिगर रख दिया था, और ये लड़की को पता भी नहीं था। और बाद में कंकोत्री छपवाई बाटी तो बाहर से खबर पड़ी कि तेरी शादी है, और 2-3 दिन के अंदर ये लड़की का फ़ोन आया, और ये लड़की का फ़ोन आया कि मेरे को तो मार डालने की पूरी कोशिश हो रही है, अगर तुम मेरे को नहीं ले जाएंगे तो मैं यहाँ मर जाऊँगी, नहीं तो कहीं भी जाके मैं कूद जाऊँगी। तो मैंने उसको मना किया कि अभी मैंने तरह से नहीं ले जाएगा, तो क्या मैं तो सच्ची में मर जाऊंगी, ये चीज़ इन्हें भेजी तो मेरे को खबर है ये जो मेरे को कहेगी वो करेगी, ये मर जाती अगर मैं इसको नहीं ले जाता, ये हकीकत बात होती कि सच्ची में मर जाती। 2 वक्त गला डबा डाला इसका पूरा सूज गया था, पूरा हॉस्पिटल में भी इसको लेने गए थे। किसने मारने की कोशिश? इसके अब्बा ने, इसके अम्मी ने, इसके दोनों भाइयों ने मारने की पूरी 1000 टका की कोशिश करी है। याकूब भाई नाम है इनके अब्बा का, इनकी अम्मी का हसीना बिन नाम है, इनके भाई का सुफियान भाई नाम है, और उनके दूसरे भाई का नाम सलमान भाई नाम है। पूरी कोशिश करी थी जान से मार रखने की पूरी, अगर बाजू वाले नहीं आते उनके खिलाफ में सब कंप्लेंट करी है, लेकिन वो 65 टके से बहुत मजबूत है, तो वो कहती किस तरह फोड़ सकता है बंदर का मामला पता नहीं है। हमने तो हर जात की फरियाद करी है और हमने हर कार्यवाही करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम कमिश्नर ऑफिस आए हैं तो हमारे को अन्याय मिले, और ये लड़की को मेरे साथ जीवन गुजारने के शांति से जीवन गुजारने की वो मेरे को न्याय करके देवे, रजूआत करने देवे। હાલ તો નવયુગલ દ્વારા પોતાને આગળની જિંદગી શાંતિથી જીવવા દેવામાં આવે, અને હવે યુવતીના પરિવાર દ્વારા તેઓની જિંદગીમાં કોઈ દખલ ન કરાય તેવી માંગ સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરીએ કરી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, SN ન્યૂઝ, સુરત।